नमस्कार दोस्तों ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है मैं हूं ओमकार चौधरी देर रात मध्य रात्रि में जो लास्ट प्रोग्राम मैंने किया था उसमें यह कहा था कि किसी भी समय संजय राउत की गिरफ्तारी की खबरें आने वाली होंगी और देर रात उस प्रोग्राम के करीब करीब आधा घंटा बाद संजय राउत की गिरफ्तारी की खबर आ गई अब जानकारी ये मिल रही है कि जिस समय हम बात कर रहे हैं अब से करीब करीब दो घंटे बाद उनको जे जे अस्पताल ले जाया जाएगा उनका मेडिकल कराया जाएगा और करीब ग्यारह साढ़े ग्यारह बजे उनको अदालत में पेश किया जाएगा ईडी के द्वारा और ईडी संजय राउत की हिरासत मांगेगी क्योंकि जिस ग्राउंड पर संजय राउत को गिरफ्तार किया गया है वो बड़े सॉलिड हैं। नंबर एक उनके आवास से साढ़े ग्यारह लाख रुपए का अन अकाउंटेड कैश मिलना नंबर दो जांच में सहयोग नहीं करना उनसे जो सवाल पूछे जा रहे हैं पात्राचाल जमीन घोटाले को लेकर के वो लगातार टाल मटोल कर रहे हैं ऑन कैमरा भी वो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर केंद्र सरकार पर आरोप मढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सारे एलिगेशन फैब्रिकेटेड हैं लोगों को डरा धमका करके उनके खिलाफ़ दस्तावेज तैयार कराए गए हैं ये सब चीज़ें उन्होंने यही सब चाला की ई के अफसरों के सामने भी दिखाने की कोशिश की है कुछ बहानेबाजी की है यानी वो ईडी के अधिकारियों को जो उनके दस्तावेजों में इस समय साफ साफ उनको दिखाई दे रहा है कि ये एक नेक्सेस था एक मिली भगत थी प्रवीण राउत और संजय राउत के परिवार के बीच में और जितना बड़ा ये पात्राचाल जमीन घोटाला है उसके बारे में अभी बताएंगे आपको इसका जो लाभांश इनको मिला उसको ये अभी भी पूछताछ में एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है ये अलग अलग राग अलाप रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार शिवसेना को खत्म करना चाहती है एक राजनीतिक साजिश है मुझे जेल में डालना चाहती है तमाम तरह की बातें लेकिन ये सब चीजें आपकी राजनीतिक तौर पर चल सकती हैं चला लीजिए लेकिन ईडी के सामने तो आपकी होशियारी नहीं चलेगी और साढ़े नौ घंटे रविवार को ईडी के अफसरों ने इनके घर की छानबीन की तलाशी ली दस्तावेज खंगाले, फिर इनको ईडी के दफ्तर ले गए वहाँ इनसे करीब छः साढ़े छः घंटे तक पूछताछ हुई जब ईडी के अधिकारियों को लगा कि ये सहयोग नहीं करेंगे तो इनके भाई सुनील रावत को बुला करके उनको एक मेमो थमा दिया गया कि संजय राउत को गिरफ्तार कर लिया गया है और सुबह जे जे अस्पताल में इनका मेडिकल चेकअप कराने के बाद इनको अदालत के सामने पेश कर दिया जाएगा जाहिर है ईडी उनकी हिरासत मांगने वाली है और ये कितने दिन हिरासत में रहेंगे उस समय पूछताछ होगी ईडी जो उनके पास तमाम सूचनाएं हैं क्योंकि आप ये तय मान लीजिए कि ईडी किसी पर तभी हाथ डालती है जब उसके पास पुख्ता सबूत होते हैं तो उन सबूतों के अकॉर्डिंग ये अभी बयान नहीं दे रहे हैं स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो हिरासत में लेकर के इनसे पूछताछ होगी लेकिन संजय राउत की चिंता इस समय अपनी गिरफ्तारी से भी ज्यादा जो उनके परिवार पर आने वाले दिनों में आफत टूटने वाली है उसको लेकर के है मत भूलिए कि ये जो पात्रा चाल जमीन घोटाला है इसमें खुद प्रवीण राउत की जो पत्नी है और संजय राउत की जो पत्नी है ये दोनों भी हैं यानी अकेले संजय राउत अंदर नहीं जाने वाले हैं उनकी पत्नी पर भी गिरफ्तारी की और पूछताछ की तलवार लटक गई है और संजय राउत की पेशानी पर जो आप चिंता की लकीरें उबरती हुई देखते हैं उसकी वजह यही है कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर रखी है बल्कि मैं तो कहूंगा कि मूर्खता कर रखी है इन्होंने अलग अलग जो कंपनियाँ बना रखी हैं उनमें अपनी पत्नी को भी डायरेक्टर बना रखा है अपनी बेटियों को भी बना रखा है यानी साझेदार बना रखा है अब जब उन सब के काले कारनामों के और जो अन अकाउंटेड पैसा आ के लगा हुआ है वो जो खपा हुआ पैसा है उसका जो पीछा किया है ईडी के अधिकारियों ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में तो ईडी बहुत ही खुर्द बुर्द करती है दस्तावेजों को हासिल करती है उसकी पूरी टेल देखती है कि कहाँ से पैसा आया है कहाँ गया है कैसे कैसे घूम करके आया उसमें अब केवल संजय राउत नहीं इनकी पत्नी और इनकी बेटियां उनके जो पार्टनर हैं सुजीत पाटकर सपना पाटकर के एक्स हसबेंड ये सब फंसे हुए हैं जो चाल का पुनर्विकास के लिए जमीन से जुड़ा हुआ घोटाला है इसमें संजय राउत की पत्नी भी अभियुक्त है क्योंकि उसको भी बताते हैं कि प्रवीण राउत की पत्नी ने पैसे भेजे थे और वो उनके अकाउंट में भी हुए हैं उसमें से पचपन लाख रुपया उन्होंने वापस भी भेजा है फरवरी में ईडी ने फरवरी 2020 में जो ये बिजनेसमैन है इनका दोस्त प्रवीण राउत उसको गिरफ्तार किया था और उसके बाद चार्जशीट दाखिल की थी तो संजय राउत इनकी पत्नी इसके अलावा गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन के जो पूर्व डायरेक्टर हैं कुमार वधावन गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन के पूर्व डायरेक्टर सारंग कुमार वधावन और प्रवीण राउत प्रवीण राउत की पत्नी माधुरी रावत और संजय राउत का जो करीबी है सुजीत पाटकर और सुजीत पाटकर की पत्नी स्वप्ना पाटकर ये सब अभियुक्त हैं इसका मतलब ये है कि पात्रा चाल जमीन घोटाला जो जिसकी शुरुआत 2007 में हुई थी वो अब संजय राउत के परिवार के लिए भी चिंता का सबब बन गया है एक्चुअल में 2007 में इसकी शुरुआत हुई थी महाराष्ट्र हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी महाड़ा प्रवीण राउत गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन और हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड यानी एच डी आई एल इन सब की मिली भगत में यह घोटाला पकड़ में आया था 2007 में महाड़ा ने पात्राचाल के रीडेवलपमेंट का काम शुरू किया था और यह कंस्ट्रक्शन गोरेगांव के सिद्धार्थ नगर में हो रहा था महाड़ा की सैतालीस एकड़ जमीन में कुल छह घर बने हुए तो रीडेवलपमेंट के बाद गुरु आशीष कंपनी को साढ़े तीन हजार से ज्यादा फ्लैट बना करके देने थे महाड़ा के लिए फ्लैट्स बनाने के बाद बची हुई जमीन को प्राइवेट डेवलपर्स को बेचना था और चौदह साल के बाद भी कंपनी ने लोगों को फ्लैट बनाकर के नहीं दिए यानी छह जो घर वहां पर ऑलरेडी बने हुए थे गरीब लोगों के उनको आशीष डेवलपर्स ने फ्लैट बना करके देने थे लेकिन नहीं दिए प्रवीण राउत को इस घोटाले के मामले में और ये टोटल घोटाला एक हजार करोड़ से ज्यादा का है ये कोई छोटा मोटा घोटाला नहीं है जिसमें संजय राउत प्रवीण राउत वधावन बंधु इनकी पत्नियां ये सब किसी ना किसी रूप में इन्वॉल्व हैं एक हजार करोड़ का घोटाला और ये फेस सेविंग के लिए या विक्टिम कार्ड खेलने के लिए भारतीय जनता पार्टी पर आरोप मढ़ते रहे हैं यानी इसको सियासी रंग देते रहे हैं इसको महाराष्ट्र वर्सेस भारतीय जनता पार्टी शिवसेना वर्सेस भारतीय जनता पार्टी और राजनीतिक बदले की भावना से होने वाली कार्रवाई बता करके बचने की कोशिश करते रहे हैं लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश करते रहे हैं लेकिन अल्टीमेटली प्रवीण राउत की गिरफ्तारी फरवरी 2020 में हो गई थी और ये दोनों दोस्त हैं ये सबको पता है पूरी मुंबई महाराष्ट्र भी आधा जानता है इसके अलावा जो एच के सारंग वधावन और राकेश वधावन हैं ये दोनों भी इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी हैं और ये पीएमसी बैंक घोटाले में भी आरोपी हैं तो संजय राउत ही अंदर नहीं गए हैं उनकी पत्नी पर भी पूछताछ की और गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है इसीलिए जब ये घर से चल रहे थे तो ये दृश्य देखने को मिल रहे थे इनकी माँ इन इनकी आरती उतार करके इनको मंगल टीका लगा रही थी कि शायद किसी तरह ये वापस घर लौट आए वो सीन मैं आपको दिखाता हूँ मेरे पास विजुअल आ गया था जब इनकी माँ इनके माथे पर मंगल टीका लगा करके घर से विदा कर रही थी और एक दूसरा सीन मैंने कल जब ये अपनी माँ और रिश्तेदार से लिपट रहे थे शायद बेटी है और माँ है तो ये संकट बढ़ने वाला है और इनके परिवार तक पहुंचने वाला है अभी के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें कमेंट करें वीडियो को शेयर भी करें अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार